नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु मामले में सीबीआई जांच को वैध बताया। शीर्ष न्यायालय ने मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने के आदेश दिए। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हुई। गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। राज्य में कोविड 19 महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 568 हुई। और कोरोना संक्रमण के फैलाव का आकलन करने के लिए बक्सर, अरवल, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, मधुबनी और पूर्णिया जिले में सीरो सर्वे का दूसरा चरण शुरू। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के मामले में सीबीआई जांच को वैध ठहराया है। शीर्ष न्यायालय ने मुंबई पुलिस को आदेश दिया है कि वो इस मामले से संबंधित सभी साक्ष्य सीबीआई को सौंप दे। न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने सीबीआई को यह निर्देश भी दिया है कि वो सुशांत सिंह की मृत्यु के संबंध में भविष्य में दर्ज होने वाले किसी अन्य मामले की भी जांच करे। शीर्ष न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि वो सीबीआई की जांच में सहायता करे। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी है कि इस मामले में बिहार में दर्ज की गई प्राथमिकी वैध है। गौरतलब है कि 30 जुलाई को रिया चक्रवर्ती उच्चतम न्यायालय पहुंची थीं और उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मामले को मुंबई स्थानांतरित करने की मांग की थी। इधर अदालत का निर्णय आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इसके खिलाफ अपील की मांग की, लेकिन अदालत ने इस पर विचार करने से इनकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का दिवंगत अभिनेता के परिजनों ने स्वागत किया है। इधर न्यायालय के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि अभिनेता के परिजनों को जल्द न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसे राजनीतिक रूप देना चाह रहे थे, लेकिन राज्य सरकार शुरू से मान रही थी कि इसका संबंध न्याय से है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि इससे सच सामने आएगा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। वहीं बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि न्यायालय ने इस बात को माना है कि बिहार पुलिस की जांच सही दिशा में थी। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में 16 जिलों में 82 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। इन जिलों में 1317 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के कारण गोपालगंज और सारण जिले में बाढ़ का संकट और गहरा गया है। सारण जिले में सोनपुर प्रखंड में गंडक नदी के दबाव से एक स्थानीय बांध के टूट जाने से बरबट्टा और आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। मढ़ौरा भावलपुर सड़क मार्ग पर 3 फुट तक पानी बह रहा है। मढ़ौरा पटना स्टेट हाईवे संख्या 73 पर नौतन और जुगौली गांव के पास पानी का दबाव बना हुआ है। वहीं वाया नदी का पानी मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में कई नए इलाकों में प्रवेश कर गया है। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि सकरा, मुरौल, पारू, साहेबगंज में बड़े पैमाने पर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। गंगा नदी में उफान के कारण खगड़िया जिले में गोगरी और परबत्ता प्रखंड में अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है। मुंगेर जिले में भी गंगा नदी का पानी निचले इलाकों में फैलने लगा है। दरभंगा जिले में नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पानी घटने के बाद अपने घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर आश्रय लिए लोग माल मवेशियों के साथ अब घर लौटने लगे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त घरों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। बागमती और अधवारा समूह की नदियां अब भी कई स्थानों पर लाल निशान से ऊपर बनी हुई हैं। इधर समस्तीपुर जिले में बागमती और बूढ़ी गंडक में उफान के कारण 26 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। योजना और विकास मंत्री महेश्वर हजारी ने कल्याणपुर में बाढ़ की स्थिति को लेकर अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने सभी बाढ़ पीड़ितों तक मदद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर मध्य प्रदेश के वाण सागर बांध से 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे सोन नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी की आशंका है।
जल संसाधन विभाग के सचिव पंकज हंस ने बताया कि इसे देखते हुए रोहतास, अरवल और पटना के अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। श्री हंस ने बताया कि वाणसागर से छोड़े गये पानी के बिहार पहुंचने में 5 दिन का समय लग सकता है। गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बक्सर, पटना, मुंगेर और भागलपुर में विभिन्न स्थानों पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास पहुंच गया है। पटना के गांधी घाट में नदी का जलस्तर लाल निशान से 10 सेंटीमीटर जबकि हाथीदह में 30 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया। भागलपुर जिले के कहलगांव में गंगा नदी खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर चली गई है। सोन नदी के जलस्तर में भी भोजपुर के कोइलवर और पटना के मनेर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है जबकि पुनपुन नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। कोसी नदी का जलस्तर कटिहार के कुर्सेला में खतरे के निशान से 37 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, अधवारा समूह, कमला बलान, महानंदा और परमान नदी का जलस्तर ज्यादातर स्थानों पर स्थिर बना हुआ है या इसमें कमी देखी जा रही है। कटिहार जिले में गंगा, कोसी, कारीकोसी और बरंडी नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इससे जिले के कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र में शिवगंज के पास सुरक्षा बांध में तेज कटाव हो रहा है। सुरक्षा बांध के टूटने का खतरा मंडराने लगा है। बांध को क्षति होने से कदवा, प्राणपुर, बलरामपुर और आजमनगर में भारी तबाही मचने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता कम हो गई है। मौसम वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पश्चिम इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 2,884 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,12,759 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक 422 मामले पटना जिले से सामने आए हैं। पूर्वी चंपारण से 181, मुजफ्फरपुर से 173, रोहतास से 118, मधुबनी से 115, सीतामढ़ी से 113, सहरसा से 108, पूर्णिया से 104 और बेगूसराय से 103 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही सारण से 98, कटिहार से 86, गया से 78, नालंदा और अररिया से 74 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 31,460 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। इस महामारी से राज्य में अब तक 567 लोगों की मृत्यु हुई है। इधर स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 75% हो गई है। अब तक 84,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पटना जिले में कोविड संक्रमण मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जिले में अब तक 17,531 लोग इस महामारी से संक्रमित हुए हैं जबकि 14,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 114 लोगों की अब तक मृत्यु हुई है। आईसीएमआर के निर्देश पर राज्य के 6 जिलों मधुबनी, पूर्णिया, बेगूसराय, बक्सर, मुजफ्फरपुर और अरवल में सीरो सर्वे का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इसके तहत जिलों के विभिन्न प्रखंडों में आरएमआरआई पटना की टीम जाकर लोगों में कोरोना के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकसित होने का आकलन कर रही है। इस सर्वे से सामुदायिक स्तर पर कोरोना संक्रमण के फैलाव का आकलन करने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि 17 से 20 मई तक कराए गए पिछले सीरो सर्वे में राज्य में कोरोना के विरुद्ध 0.7% रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने का पता चला था। पीएम केयर्स फंड से डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया बीटा का कोविड अस्पताल 23 अगस्त को चालू हो जाएगा। सांसद रामकृपाल यादव ने आज बीटा के कर्मचारी भविष्य निधि बीमा निगम ईएसआईसी अस्पताल का दौरा करने के बाद ये जानकारी दी है। इस अस्पताल में 375 बेड है। इसके अलावा आईसीयू में 125 बेड को वेंटिलेटर की सुविधा से लैस किया गया है। मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में लोग सामुदायिक शौचालय का उचित प्रबंधन और देखरेख करते हुए सुचारू संचालन कर रहे हैं। 45 लोग इसका उपयोग करते हैं और खुद से इसकी साफ सफाई का खर्च उठाते हैं। कल स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन परिवार के सदस्यों से संवाद करेंगे। बिहार सरकार जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादी हमले में शहीद हुए राज्य निवासी सीआरपीएफ के 2 जवानों के निकटतम आश्रितों को 36-36 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। इसके अलावा एक एक परिजन को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी।
राज्य सरकार की ओर से 11 लाख रूपये की अनुग्रह सहायता राशि और मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 लाख रूपये की मदद दी जायेगी। इधर शहीद जवान खुर्शीद खान को रोहतास जिले में उनके पैतृक गांव घोसिया कला स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। वहीं जहानाबाद के रतनी फरीदपुर प्रखंड अंतर्गत आईरा गांव निवासी शहीद जवान लवकुश शर्मा का अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान विधायक, स्थानीय अधिकारी और बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। चुनाव आयोग ने हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा को आवंटित चुनाव चिन्ह टेलीफोन की मान्यता समाप्त कर दी है। आयोग ने 2015 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 4% से कम वोट मिलने और विधानसभा में 2 सीटों की अनिवार्यता की शर्त पूरी नहीं करने के कारण चुनाव चिन्ह रद्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार पार्टी ने अब कप प्लेट चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की पहली पुण्यतिथि पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु मामले में सीबीआई जांच को वैध बताया। शीर्ष न्यायालय ने मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने के आदेश दिए। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हुई। गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। राज्य में कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 568 हुई। और कोरोना संक्रमण के फैलाव का आकलन करने के लिए बक्सर, अरवल, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, मधुबनी और पूर्णिया जिले में सीरो सर्वे का दूसरा चरण शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिये, सुरक्षित रहिये और सुनते रहिये आकाशवाणी। Thank you.